संघ मार्केटिंग कैसे करती है। तो मैं समझता हूँ मार्क कटिंग का ज्यादा असर होगा चुनाव के रिजल्ट के ऊपर रेदर देन मार्केटिंग का। चारधारा के साथ एके राइफल चलने दीजिए ना मैम, एके राइफल चलने दीजिए, चलने दीजिए, धड़ाधड़ चलने दीजिए, एके राइफल चलनी चाहिए। स्टूडेंट हूँ मैं, डिबेट कर लूंगा और सिद्ध कर दूंगा। देखिए राशिद है क्या, नहीं हमें आपकी काबिलियत पर कोई नहीं, नहीं आपका आपकी मानता है मैम। देखिए राशिद है क्या मैं बताता हूँ, जनता पार्टी की सरकार नहीं रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कोई भी अभियान नहीं रुका है। एके उवाच जो है ना, एके उवाच बड़ा बेकरार है। एके उवाच ये बताना चाहता है अखिलेश जी के वक्तव्य क्या। एके मिश्रा के पास में चलते हैं। ओपी जी आपके पास में आ रहा हूँ। एके मिश्रा, मार्केटिंग में अभी अलग अलग पार्टियां कहाँ पर खड़ी हैं? राशिद देखिए मैं बताऊँ, अगर ओवरऑल सारी पार्टियों के लिए देखा जाए तो ये मार्केटिंग तो कर रही है, सबने अपने अपने तरीके से बहुत बेहतर प्लानिंग की हुई है और जितने भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हो सकते हैं अभी इन्होंने तैयारी कर ली है। एक चीज आप और ध्यान दीजिए, मार्केटिंग तो हो रही है लेकिन इलेक्शन कौन जीतेगा कौन हारेगा इसमें मार्केटिंग के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और चल रहा है, मार्क कटिंग, यानी दूसरों के नंबर को काटना। मार्केटिंग या अपना पॉजिटिव वे में प्रमोशन शायद उतना असर नहीं करता है चुनाव में जितना दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाल के कुछ आरोप लगा के उनके मुद्दों को गलत साबित कर देना, जनता के मनमानस मन मस्तिष्क से उनके मुद्दों का जो प्रभाव है उसको हटा देना। तो मार्केटिंग तो चल रहा है लेकिन आप देखेंगे, आप ऑब्जर्व करिए, आपको पता चलेगा मार्केटिंग से ज्यादा मार्क कटिंग में सारे नेता सारी पार्टियां उलझ जाती हैं और असली रूप में देखा जाए तो मुद्दे जीत हार इन्हीं सब चीजों पे डिसाइड करती है। एक बहुत बढ़िया मार्केटिंग का कैंपेन शुरू किया था मोदी जी ने, अभी मैं भी चौकीदार हूं, वो पार्शियल सक्सेस हुआ। चाय पे चर्चा वाला जितना सक्सेस हुआ था वो नहीं हुआ था, किसी और नेता ने किसी और पार्टी ने कुछ और शुरू किया, विपक्ष ने या बीजेपी ने उनकी मार्क कटिंग कर दी, यानी उनके मुद्दों के ऊपर जो उन्होंने बोला क्वेश्चन मार्क लगा के या उसको गलत या प्रभावहीन कर देना। तो मैं समझता हूँ मार्क कटिंग का ज्यादा असर होगा चुनाव के रिजल्ट के ऊपर रेदर देन मार्केटिंग का। पॉजिटिव मार्केटिंग सब कर रहे हैं। वंदना मैम भी हमारे साथ जुड़ गई हैं आरएसएस की तरफ से, हमारे साथ बहुत स्वागत है मैम। अब सबसे पहले सवाल मेरा आपसे यही होगा कि जो संघ है बीजेपी के लिए मार्केटिंग प्लान तैयार करती है ये हम सब जानते हैं, लोकसभा इलेक्शंस के लिए क्या कुछ तैयारी है, किस तरह से मार्केटिंग की गई है? हिंदुत्व की मार्केटिंग क्या आरएसएस के जरिए इस चुनाव में की जा रही है या नहीं, बिल्कुल सीधा सवाल है मेरा। हिंदुत्व भी हिंदुस्तान में मार्केटिंग की चीज है, क्या आरएसएस की तरह से उसकी मार्केटिंग होगी या नहीं होगी? नहीं, हिंदुत्व के नहीं, राष्ट्र राष्ट्रवाद राष्ट्रीयता राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्रवाद की जा रही है। राष्ट्रवाद की मार्केटिंग होगी मैम? मार्केटिंग नहीं होगी, राष्ट्रवाद एक अभियान है उसके लिए संकल्पकृत हैं हम। अब मार्केटिंग की कभी कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मार्केटिंग पर विश्वास ही नहीं करता, अगर मार्केटिंग पर विश्वास करता रहता तो वो 4 P's के साथ उतरता नहीं, उसका तो एक संकल्प है और उस संकल्प के लिए वो जीवन पर्यंत लगा रहता है, चाहे सरकारें बनती रहे बिगड़ती रहे, भारतीय जनता पार्टी बनी रहे और आगे बढ़े और या बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी अभियान नहीं रुका है। एके उवाच जो है ना, एके उवाच बड़ा बेकरार है। एके उवाच ये बताना चाहता है, अखिलेश जी के वक्तव्य क्या, एके उवाच जो है बड़ा बेकरार है। एके मुझे ये समझाइएगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है 2007 में, पंडित शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा 2007 में यूपी, गुंडे चढ़ गए हाथी पर गोली मारेंगे छाती पर बीएसपी का नारा, यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां कम है 2007 का नारा, कट्टर सोच नहीं युवा जोश, चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, ऊपर आसमान नीचे पासवान बिहार में, और वो भूरा बाल साफ करने वाला नारा तो आपको याद ही होगा, मां माटी मानुष पश्चिम बंगाल में, मजबूत नेता निर्णायक सरकार 2009 में लालकृष्ण आडवाणी के चेहरे के साथ में, इन सभी शब्दों के जरिए क्या वाकई में मार्केटिंग हो पाती है और क्या यह मार्केटिंग किसी को भी सफलता दिलाती है या नहीं दिलाती है, और बहुत बार ऐसा भी क्यों होता है कि मार्केटिंग बूमरैंग भी कर जाती है, जैसे शाइनिंग इंडिया में वो मार्केटिंग बूमरैंग कर गई थी, क्या ऐसी कोई मार्केटिंग 2019 के चुनाव में है जो बूमरैंग भी कर सकती है? बड़ा स्ट्रेटजिक और बड़ा जीनियस क्वेश्चन है, मतलब इसका आंसर देने में भी मजा आएगा और सुनने में भी। देखिए आपका आंसर यहीं से मिल रहा है, वंदना मैम ने अभी बोला था कि संघ मार्केटिंग नहीं करती है, नहीं तो वो 4 P के साथ उतरती। मैं बोलता हूं कि संघ केवल 4 P नहीं 7 P के साथ उतरी हुई है शुरू से और उसका रिजल्ट अब जाके दिखा हुआ है। और एग्जांपल है संघ मार्केटिंग कैसे करती है, हॉर्लिक्स या किसी चीज का ब्रांड पर्दे पे टीवी के पर्दे पे दिखेंगे सचिन तेंदुलकर, उसका ओनर कौन है, वो कभी टीवी के पर्दे पे दिखता है? नहीं दिखता है। तो ये संघ के मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है, पर्दे पे नरेंद्र मोदी जी और नेता बीजेपी दिखेंगी लेकिन पर्दे के पीछे से मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी वाले ये कहते हैं आरएसएस
इज द जैसे वो आरएसएस इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, इस टाइप की कोई मार्केटिंग है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जैसे सचिन तेंदुलकर कहते थे बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। सुनिए, बड़ा मजा आएगा जब दो अच्छा बोलने वाले जब आमने सामने होते हैं ना मैम, दो अच्छा बोलने वाले जब आमने सामने होते हैं। एके राइफल चलने दीजिए मैम, एके राइफल चलने दीजिए, चलने दीजिए, धड़ाधड़ चलने दीजिए, एके राइफल चलनी चाहिए। स्टूडेंट हूँ मैं, डिबेट कर लूंगा और सिद्ध कर दूंगा। देखिए राशिद है क्या, नहीं हमें आपकी काबिलियत पर कोई नहीं आपका आपकी मानता है मैम। देखिए राशिद है क्या, मैं बताता हूँ। मार्केटिंग के जितने भी फॉर्म अवेलेबल हैं, लेटेंट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जो भी है या हम मार्केट में देखते हैं, उसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण, सबसे कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल अगर है तो वो है पॉलिटिकल मार्केटिंग, जिसपे आज का आपका ये टॉपिक है और इस चीज को समझने की जरूरत है। आपने अभी ये बोला और मुझे सारे उदाहरण बता दीजिए। 99.9% जितने इलेक्शन जीते जाते हैं, एक मार्केटिंग में टर्म होता है पोजीशनिंग, और वो इमोशनल पोजीशनिंग। आप 1950 फर्स्ट इलेक्शन से लेकर के अब तक देख लीजिए, आपने जितने नारे दिए सब इमोशनल पोजीशनिंग, जाति पाति धर्म है। चुनाव के टाइम पे सारे लोग विकास यानी इन सब चीजों को भूल जाते हैं। इस मार्केटिंग में जो सबसे कॉम्प्लेक्स है, देखिए आपने शुरू में ये बोला था ये लोग कर क्यों नहीं पाते हैं विपक्ष वाले, मैं एक चीज और बताऊं। देखिए विकास हुआ नहीं हुआ बीजेपी ने किया वो इतर चीज है, पिछली पार्टियों ने किया कम हुआ ज्यादा हुआ, वादे पूरे हुए कि नहीं हुए। मैं एक चीज बड़े दावे के साथ बोलता हूं, अगर विपक्ष के मेरे मित्र ध्यान दे दें, बीजेपी केवल 5 घंटे बढ़िया बोल के टीवी पे मार्केटिंग करके सारे चुनाव जीतती जा रही है। आप लोग सर मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, एक फिलॉसफी याद रखिए, अच्छे से नहीं कर रहे हैं, बदलोगे नहीं तो बदल दिए जाओगे। और पिछले 5 साल से यही हुआ। अभी ये पूजा जी थी जो बैठी हुई है, वो बोल रहे हम, अरे आप लोग टेक्नोलॉजी का यूज करना कोई बुराई है क्या, किसी ने रोका है क्या? आप भी गाना बनाइए, आप भी अच्छे तरीके से और इमीडिएट बनाइए। बीजेपी की खासियत क्या है, प्राइम मिनिस्टर ने बोला नरेंद्र मोदी जान लेते हैं, ओपी मिश्रा जी जान लेते हैं, ओपी मिश्रा जी क्या ऐसा ही है, उनका पूरा क्या इसी तरह की स्ट्रेटेजी बनाई जाती है? ओपी मिश्रा जी, जी जी फिर से बोला था जी, एक बार मैं कह रही हूँ, क्या इसी तरह की स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि इलेक्शंस में क्या इसी तरह से नारे इजाद किए जाते हैं, क्या इसी तरह से आरएसएस आपका मार्गदर्शक करता है? देखिए आरएसएस का इन प्रचार तंत्र से नहीं लेना देना, आरएसएस इन प्रचार तंत्र से बाहर है। आरएसएस अपना प्रचार करती तो काफी सारा काम जो देश में अच्छा मार्केटिंग का बेस क्या होता है, आरएसएस आपको दिशा नहीं देता, मार्गदर्शन आपका नहीं करता, लेकिन फिर बेस क्या होता है मार्केटिंग का? नहीं नहीं, आरएसएस का मार्गदर्शन तो रहता ही है, हमेशा रहता है, हम आरएसएस अच्छा। के अंग हैं, इससे कभी इनकार नहीं किया और उनका मार्गदर्शन रहता है। जो आप मार्गदर्शन शब्द बोल रहे हैं, यही मार्केट में प्लानिंग होती है, स्ट्रेटजी होती है, उसी का इंग्लिश सिनोनिम से मार्गदर्शन। आइडियोलॉजिकली ठीक है, मार्गदर्शन शब्द एक अच्छा धार्मिक पवित्र शब्द है, मैं मान सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और राजनीतिक जो मार्गदर्शन लेती है, अपना प्रचार प्रसार कैसे करेंगे, हम उस चीज को आगे कैसे बढ़ाएंगे, इसका भारतीय जनता पार्टी खुद से निर्णय लेती है अपने हर निर्णय लेने के लिए। अरे मैम तो आप मान लीजिए ना कि आरएसएस मार्केटिंग करती है, यही तो मैंने बोला, अभी आप बोल रही हैं कि हां करती है। कोई नारा होता है और जब भी आरएसएस बात कही जाती है चेहरा होता है, उस चेहरे से उस नारे की सिंकिंग होनी चाहिए। जब तक जनता का विश्वास नहीं आएगा तब तक वो नारा काम नहीं करेगा। तो जो चेहरा है और जो जनता है उसकी कनेक्टिविटी, जब इलेक्शन नहीं था तब बीजेपी क्यों इलेक्शन लड़ाती थी? अगर बीजेपी धर्म की राजनीति करती है बहुत अच्छा है, हिंदुत्व की राजनीति करती है बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कांग्रेस धर्म के रास्ते पर चलती है, सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाती है, तो बुरा क्यों लग जाता है? राम भक्ति के पोस्टर जब लग गए तो क्यों मोहसिन रजा ने कह दिया कि साइबेरियन पक्षी है, पिकनिक मनाने पहुंचेंगी, ऐसा क्यों? ये सवाल को डक करने वाली भी कोई मार्केटिंग होती है क्या? एक सवाल को डक करने वाली कोई मार्केटिंग होती है क्या? पूजा सवाल सभी से हो रहा है, लेकिन सीधे तरीके से आप सवालों का जवाब देने से बच रही है। कि जब आप देखिए होता क्या है, कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल वे में जो मार्केटिंग होती है, कॉमर्शियल में ये होता है कि पैसे लेकर के प्रोडक्ट या सर्विस को एक्सचेंज करते हैं, पॉलिटिकल वगैरह ये जो होता है मार्केटिंग, मतलब विपणन। विपणन तो हजारों साल पहले से था हमारे देश में। जब आपके पास लॉजिकल कोई चीज ऑफर करने के लिए नहीं है, कन्विंस करने के लिए नहीं है, तो कंफ्यूज कर दो, और यही चीज है डक करना। बातें इधर उधर की होने लगती है, आप क्वेश्चन कोई कुछ और पूछेगा, बातें कहीं और चली जाएंगी।
ये सारे लोग करते हैं, मास्क करना इसको बोलते हैं कि कैसे कैमोफ्लाज किया जाए, कैसे मेकअप किया जाए अपनी कमियों को, कैसे मास्क किया जाए अपनी कमियों को किया जा रहा है। लेकिन देश की जनता किसकी तरफ आकर्षित होगी, इसके लिए रिजल्ट का इंतजार हम सभी को करना पड़ेगा। मल्टीप्लायर बीजेपी तो 5 घंटे मीडिया पे डिबेट करके जो है जीत ले रही है चुनाव, यही तो मैं बोल रहा हूं। क्यों ना जीते भाई, मीडिया इज इन नाउ अ डे। आप सभी हमारे साथ जुड़े राजघर में, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बात हम इसी पर कर रहे थे कि सभी पार्टियां जो मार्केटिंग कर रही हैं, देश की जनता के दिल को छू पाती हैं या नहीं, या फिर ये कहिए कि दिल को जीत पाती हैं या नहीं।